देख रहे हैं अंबर टाइम। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की मांग पर अभिभाषकों ने स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रतलाम जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले वकील सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। बताया जाता है कि प्रदेश में दो बार वकीलों की पंचायत का आयोजन हो चुका है, लेकिन अब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राजीव उबी ने बताया, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए अभिभाषकों के द्वारा कई समय से, लंबे समय से मुख्यमंत्री जी से मांग की जा रही है। उन्होंने दो दो बार वकील पंचायत भी संबंध में आयोजित की है और ऐसा आश्वासन दिया जाता रहा है कि अति शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। इसका प्रभाव यह हो रहा है कि वो जो अपराध करने वाले वकीलों के प्रति उनके हौसले बढ़ रहे हैं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है नहीं, इसलिए स्टेट बार का ये आह्वान था कि आज मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन सौंपा जाए, तो उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने उपस्थित। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर बाजी मार ली है। जारी हुई सूची में भाजपा के कद्दावर नेता, सांसद एवं मंत्री के नाम भी शामिल है। इंदौर एक विधानसभा से पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार घोषित किया है। कैलाश विजयवर्गीय की उम्मीदवारी घोषित होने पर उनके समर्थकों ने रतलाम में बाजना बस स्टैंड पर रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अशोक पोरवाल के नेतृत्व में जश्न मनाया। समर्थकों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। आरडी अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने बताया, मंगलवार से शहर की सफाई व्यवस्था फिर ठप हो गई है। कारण, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों का अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू किया गया है। रतलाम शहर में भी सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले नगर निगम के बाहर धरने का आयोजन किया गया। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। बताया जाता है कि सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 महीने पहले आंदोलन किया गया था, लेकिन उस समय आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करवा दिया गया था। सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर सफाई कर्मचारियों ने फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ेगा। मिलादुन्नबी का जुलूस 28 सितंबर को आबकारी चौराहे से शुरू होगा, जो मुख्य मार्गों से होकर कसाई मंडी में समाप्त होगा। यह रूट इसी दिन गणेश चतुर्थी को कालिका माता क्षेत्र में विसर्जन कार्यक्रम होने के कारण परिवर्तित किया गया है। जुलूस का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पुलिस ने सोमवार की रात फ्लैग मार्च निकाला और शहर के विभिन्न क्षेत्रों की कानून व्यवस्था देखी। निकले फ्लैग मार्च में पुलिस ने खासतौर पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों को फोकस किया था। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाते हुए वारंटियों को पकड़ने, सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीने, अवैध शराब का व्यापार सहित बदमाशों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। गुरुवार को ईद मिलादुन्नबी और शाम होते ही गणेश विसर्जन सहित अनंत चतुर्दशी के जुलूस झांकियों में पुलिस की तैनाती, पुलिस गश्त सहित अन्य जरूरी निर्देश दिए हैं।
सीएसपी अभिनव वारंगे ने बताया। सर किस तरह का भ्रमण था क्या? आज ये अपने जो आगामी त्यौहार हैं उनको देखते हुए शहर में शांति स्थापित रहे इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का लगातार भ्रमण जारी है। इसी क्रम में आज हाट चौकी क्षेत्र में और माणक चौक क्षेत्र में पैदल भ्रमण निकाला गया जिसमें थाना प्रभारी और समस्त बल उपस्थित रहा और सभी से हालचाल ले रहे हैं कि ये किस प्रकार से अपना आगामी कार्यक्रम करेंगे इसको लेकर आज का भ्रमण। सर आगे की हाँ ये लगभग लगातार जारी रहेगा जब तक अभी त्यौहार चल रहे हैं तब तक चलते रहे। खदान पर काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ दूसरे कर्मचारी ने मारपीट की। मारपीट में घायल हुए कर्मचारी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक मारपीट सागोद ग्राम में उस समय हुई जब कर्मचारी राजकुमार पिता गोविंद दास सोने के लिए जा रहा था। जिला अस्पताल में भर्ती घायल कर्मचारी राजकुमार ने बताया खदान पर यूपी का मेवाल नाम का व्यक्ति काम करता है जो अपने आप को गुंडा बताकर दादागिरी करता है। राजकुमार मैं सोने जा रहा था, मेरा बिस्तर फेंका, वो दारू पिया हुआ था और एकदम मेरे को मारने लग गया। मैं बोला भाई ये क्या था, इसलिए ऐसा हमारा मेरे को गिरा दिया और जब लगा मेरे हाथ में और ये तो जितेंद्र चौधरी ने मुझे बचाया, अजीत ने बचाया, खदान के लोगों ने, स्टाफ ने, और वो व्यक्ति मेरे को जान से मारने वाला था। उसका नाम है मेवालाल, यूपी का रहने वाला है, डकैत है। अपने आप को बोलता है मैंने बहुत मर्डर वर्डर कर रखा है, तुम अभी जानते। कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं, बोले तुमने हमारे गुरु को उल्टा बोल दिया। मैंने तुम्हारा गुरु कौन, हम तो पहचानते ही नहीं। मैं रतलाम में रहता, बीरिया खेड़ी। देख रहे हैं अंबर टाइम।